आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ख़ास अपडेट मैं मेरे हीरा ग्रुप फैमिली को देने वाली हूँ और मेरे सपोर्टर्स को देने वाली हूँ जो मेरे लिए फ़ाइट किए, चाहे वो वट एक वट भी क्यों ना हो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, और एक दुआ भी क्यों ना हो वो भी मेरे सपोर्टर हैं, और एक अच्छाई की जिक्र करके भी क्यों ना हो वो भी मेरे सपोर्टर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का बेहद फजल है, बेहद एहसान है कि मैं आज कुछ एक ऐसा अपडेट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को देना चाहती हूँ जो कंपनी के जो परफॉर्मेंस हैं मेरे रिलीज़ के बाद वाले, उस पर मैं एक मिनट आपको बताना चाहती हूँ इंशाल्लाह। ये मेरा अपडेट कोई कजी निकालने वालों के लिए नहीं है, कोई बुरी सोच रखने वालों के लिए नहीं है, ये मेरा अपडेट वो पाकीज़ा सोच रखने वालों के लिए और जो इस बात को समझने वालों के लिए, जो समझ रखते हैं वो सब अल्हम्दुलिल्लाह समझ सकते हैं अल्लाह के फजल करम से। तो आज मैं ख़ासकर से क्या है, कुछ ट्रैवल में थी, कामों में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मगर मैंने सोचा कि जो 77 नंबर पे बहुत सारे चीज़ें मैं देखती रहती हूँ, आप लोगों के व्हाट्सएप, आप लोगों के रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ भी, जहाँ तक मुझे पॉसिबल है मैं इंशाल्लाह रात में भी, कितनी भी रात हो, मैं कुछ लोगों को रिप्ले भी करती हूँ जिसका मुनासिब रिप्ले है। अब कुछ लोगों ने क्वेश्चन ही मतलब नहीं करते ही, अब उनका IBG नंबर मुझे मिल जाता है या व्हाट्सअप करते ही, तो उनको चेक करके देख के जो है इंशाल्लाह मैं उन पर काम कर रही हूँ। आज ख़ासकर से जो है मैं यही बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे रिलीज़ होकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल 2 महीने पूरे हो गए, और 1 साल 2 महीनों में जो 3 साल से जो चीज़ें बंद पड़े थे, जिनको जुल्म से बंद कर दिया गया था और जिनको डैमेज करने का कोई भी रास्ता हीरा ग्रुप के ऑफिसेस क्यों ना हो, हीरा ग्रुप के ज्वेलरी शोरूम क्यों ना हो, हीरा मार्ट्स क्यों ना हो, उनको डैमेज करने का कोई भी तरीक़ा किसी ने भी नहीं छोड़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं बड़ी खुश भी हूँ बोलती हुई कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, जिसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान के सामने जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जो हीरा ग्रुप के जो दरवाज़े हैं मेरे तमाम उन मेंबर के लिए जो इखलास के साथ हीरा ग्रुप के साथ खड़े रहे, उनके सब के सब दरवाज़े अल्लाह के फजल से खुल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सैल्यूट करती हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हक़ की लड़ाई में उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर मेरी जीत हुई, और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे लीगल टीम को जिन्होंने मेहनत किया। लीगल टीम में भी बहुत सारे लोग हैं, लायर्स हैं और वर्क करने वाले और पीछे से मदद करने वाले और हर तरह का देखभाल करने वाले, सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और उन जजेस का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी तकलीफ़ को समझा और मेरी बातों को समझे, और मैं जो जो भी अफिडेविट मैं जमा करती थी कि मेरे ऊपर ये तकलीफ़ है, मेरे ऊपर ये तकलीफ़ है, समझे अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत ही मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये मौका इनायत फरमाया। पहले से मैं यही कहती आ रही हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से मैंने कभी ना किसी को चीट किया है, ना फ्रॉड किया है, ना मुझे करने का इरादा है, ना मुझे कहीं जाने का इरादा है आप सबको छोड़कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इरादा तो मैं आपसे ज़ुबान से कहती हूँ, मगर मेरे दिल को सीने को देखने वाला तो मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन है। उसने मुझे ये रिहाई इनायत फरमाई और फिर से वापस हीरा ग्रुप को जो है आप सब के सामने इंशाल्लाह बहुत स्ट्रांग के साथ खड़ा कर दिया। अब बातें इंशाल्लाह रहेंगे बहुत कुछ, मैं नेक्स्ट अपडेट्स में इंशाल्लाह मैं बताना चाहूँगी कि अरेस्ट क्या था, कैसे किस तरह से हुआ, वो सब अलग बातें हैं, मगर आज इंशाल्लाह मैं ये अपडेट देना चाहती हूँ कि बहुत सारे मेरे मेंबर्स ने एप्लीकेशन दिया उनके ज़रूरत के लिए, उनके मुनासिब हैसियत ज़रूरत के लिए, तो वो एप्लीकेशन को हमने चेक किया है, हमने एक लिंक बनाया है जो टोटल इम्प्लीमेंट जो कोर्ट में हुए हैं, जो CCSO में दिए थे, EOW में दिए थे, और जहाँ जहाँ पर कंप्लेंटर्स का लिस्ट ऐड है
वो जैसे एबीजी डालेंगे तो कम से कम हमको उनका उनका लिस्ट पता चलेगा। ये हमने कोटों से कलेक्ट करके ही सब बनाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो लिस्ट में नहीं है तो इंशाल्लाह उनका जो जो भी बैलेंस अमाउंट हीरा ग्रुप के पास है उसमें से 20% इंशाल्लाह दे रही है हीरा ग्रुप, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है, ज़रूरत भी है और लोगों को तकलीफ़ भी है। मगर हाँ, मैं बहाना कह सकती थी कि हाँ अभी मुझे जो है डेटा आने तक बल्कि जो है मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मगर मैं आपके आंखों के आंसुओं और तकलीफ़ों को देख नहीं सकती। भले आप उसके बाद भी, मैं अभी जो दे रही हूँ वो इनसिक्योर पेमेंट ही है, क्योंकि मैं कुछ भी ये नहीं कर सकती उसमें बाद में। और काफ़ी लोग व्हाट्सएप पे ये वायरल्स कर रहे हैं कि हाँ साइन करके दे दिया है, अभी 20% के बाद तुम्हें नहीं मिलेगा। ये 20% मैं दी हूँ वो भी साइन मैंने नहीं लिया है आपसे, ये 20% मैंने जो दिया है ना वो भी साइन मैंने नहीं लिया है, मैं अल्लाह के भरोसे दे दिया है, मैं बाद में आपको इंशाल्लाह करूँगी। क्योंकि हमारे जो अकाउंट्स ओपन हुए थे जितने भी, उससे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। अब बाकी के जो अकाउंट्स डिफ्रेज होना है वो अभी तक नहीं हुए, इंशाल्लाह आगे चलकर कोर्ट इंशाल्लाह उसके लिए इजाज़त देगी अल्लाह के फजल व करम से। मगर मैं अब दूसरे अकाउंट्सों से, दूसरे लोगों के भी जरिए से, कहाँ कहाँ से, मुझसे जैसे पॉसिबल होता है मैं तुमको पेमेंट देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वादा किया है। अब पेमेंट देने का तरीका क्या है कि पूरा प्रोसीजर है एक, जैसे आपने एप्लीकेशन दिया तो वो सीधा सेंट्रल ऑफिस को जाता है, सेंट्रल ऑफिस में उसका चेक किया जाता है कि रियल में आप एबीजी मेंबर हो। उसके बाद आपको कॉल किया जाता है, कॉल उस नंबर पे किया जाता है जो हमारे पास अपडेटेड है एक्सेल सीट में, कि वो रियल कस्टमर को कॉल किया जाता है। जब वो कहते हैं कि हाँ करके, उनको दो तीन सिक्योरिटी क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि आप क्या विजिट किए थे ऑफिस में, क्या आप सीईओ के पास एप्लीकेशन दिए थे, तो वो कहते हैं क्या। तो उसके बाद जो है उनका अकाउंट का डिटेल्स लिया जाता है, उसके बाद उनको पेमेंट कर दिया जाता है, उसके बाद भी उनको कॉल किया जा रहा है, उसके बाद भी, क्योंकि उनके उसके बाद भी कॉल किया जा रहा है, तो हाँ वो बोलते हैं कि हाँ पेमेंट मिल गया। ये हमने इंशाल्लाह प्रोसीजर के तौर पर कर चुके हैं। अल्लाह के फजलो करम से फरवरी 28 तक का जो भी लोगों ने अप्लीकेशन दिया है इंशाल्लाह उनका कॉल वेरीफिकेशन, अकाउंट वेरिफिकेशन हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट का अल्लाह के फजल से जाना भी शुरू हो गया है। और कल भी हमने पेमेंट की कल एक सीट अपडेट करे थे, क्योंकि देखिए ये प्रवेशी होने की वजह से मैं इसको डिस्क्लोज करना, वायरल कर देना ये नहीं चाहती, क्योंकि जो भी लोगों को पेमेंट मिलता है, जो भी करते हैं, वो मैं कानूनन भी नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी की एक प्रवेशी पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसीज को ब्रेक नहीं करना चाहती मैं कभी भी। तो भले लोग जो भी कहे, मैं हाँ सबमिट करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करती हूँ। देखिए मैं मार्च 8 तक भी पेमेंट किया था लोगों को, ये भी मैंने सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में 15 के दिन जो आर्ग्यूमेंट था उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आपका पेमेंट सुप्रीम कोर्ट के 15 का आर्डर भी हो गया, उसके बाद भी जो है अभी भी आपके पेमेंट जा रहे हैं। कल भी हमने एक बड़ी सीट्स अपलोड किए थे, उसमें से काफ़ी लोगों के रिजेक्ट होके आते हैं, जिसका जरिया होता है कि उनका हमारे पास डेटा नहीं होना, और फ़ोन पे जब बोलते हैं अकाउंट नंबर तो उसमें कुछ मिस्टिक्स का यूज़ करना, और ऐसी काफ़ी चीज़ें होते हैं इंशाल्लाह इसकी वजह से। मगर उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी मेरे भाइयों और बहनों का सवाल है कि आप हमारे अकाउंट नंबर चेंज हो गए हैं, क्या वो अकाउंट नंबर हम अपडेट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपके नाम पे है, आपकी ही आईडी पे अकाउंट बना है, तो आप कोई भी अकाउंट, किसी भी बैंक का अकाउंट जो है आप अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ज़रूर से कर सकते हैं, रब्बुल आलमीन आसानी करें इंशाल्लाह। तो और रही बात कि मैंने इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हाजा मिन फजली रब्बी कहती हूँ मैं, सब लोग कहते हैं कि आपा आपने क्या कर दिया, क्या करके दिखा दिया, सब कुछ नहीं, ये सब हमारा कुछ नहीं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का मर्जी थी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद थी। हाजा मिन फजली रब्बी, ये सब मेरे अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह के फजल से जो है इंशाल्लाह मैंने पूरे चीज़ों को ओपन कर दिया, जिसके ऊपर ब्लैक बोर्ड लग गए थे, लोग सोच रहे थे ये कभी ओपन नहीं होंगे, लोग सोच रहे थे कभी इसमें इंसान नहीं आएगा, लोग सोच रहे थे कि बस पता नहीं वो गवर्नमेंट इसको बेच लेगी, ये गवर्नमेंट इसको बेच लेगी, उन्होंने जीवो निकाल लिया, इन्होंने जीवो निकाल लिया। हालांकि हमारी कंपनी ना कोई बैंक को कर्जा थी, ना किसी बड़े इन्वेस्टर को कर्जा थी, कुछ भी नहीं। मैं एग्जाम्पल कहती हूँ कि मुझे एक जगह ले जाकर कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ पर वो अरेस्ट ही इलीगली थे,
सब कुछ भी इंशाल्लाह आइंदा के दिनों में सब साबित होगा अल्लाह के फजल से। एक बार तेलंगाना हाईकोर्ट ने तो ये इलीगल अरेस्ट था, इलीगल FIR वो डिक्लेयर कर चुकी है अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी डिक्लेयर कर दी है कि टोटल क्लाइम जो है SFI को फॉरवर्ड कर दी है 15 मार्च को, और कह दिया है कि अब कोई भी इम्प्लीमेंट कोई वगैरह जो है कोर्ट में नहीं चलेगा, अब जो भी इम्प्लीमेंट थे वगैरह वो जो है इंशाल्लाह वो SFIO को जा सकते हैं। SFIO को भी क्या चाहिए, उनको भी सोर्सेस चाहिए ना चक्कर के। अगर आपके SFIO के पास भी कोई भी लिस्ट ले जाके जमा कर देंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि किसको पेमेंट दिए हैं, कैसे पेमेंट नहीं दिए हैं, क्या उन्हें प्रोडक्ट ले लिया, क्या गोल्ड ले लिया, क्या फूडेक्स परचेस कर लिया, नहीं पता चलेगा ना जब तक के डेटा इंस्टॉल नहीं होता। और कुछ लोग बच्चों की जैसी बातें कर रहे थे कि हाँ डेटा तो उनके पास है, और इस तरह डेटा हमारे पास होता तो फिर FSL के पास है करके रिपोर्ट क्यों सबमिट होता था एजेंसीज के तरफ से। FSL के पास है उससे हम ला के दिए हैं। कोई लोग बोल रहे हैं कि हैंडओवर हो गया है, हैंडओवर हो गया है तो मुझे तो अब तक पता नहीं है, मेरे पास तो हैंडओवर नहीं हुआ। डेटा हमारा हैंडओवर नहीं होगा, असेंबल होगा, रीअसेंबल होगा अपने डेटा सेंटर में, जो 15,000 से 16,000 SFT की बिल्डिंग है जिसमें टोटल डेटा सेंटर का स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को लेकर गए ही, वो स्ट्रक्चर को ब्रेक करके गए ही, वो स्ट्रक्चर के सारे चीज़ों को डैमेज करके गए ही, तो डेटा सेंटर वहाँ असेंबल होगा। असेंबल होने के बाद डेटा ऑन हो जाएगा, आपके यूज़र IDs ऑन हो जाएंगे, हमारे टोटल बिजनेस प्रोडक्ट ऑन हो जाएंगे, हमारे सारे चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो जाएंगे। मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो 2 दिन के बाद इंशाल्लाह मिलेगा, 2 दिन के बाद नहीं तो 10 दिन के बाद मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उसको कोई रोक नहीं सकते इंशाल्लाह।